प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता यहां पर करीब 80 मिनट तक रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख इस वक्त सीधे उज्जैन से जुड़ रहे हैं। एहतियाब, जानना चाहेंगे किस किस्म का प्रोग्राम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त किए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, साथ के राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। तकरीबन 80 मिनट में यह प्रोग्राम रहेगा। 80 मिनट के दौरान वो इसी मंच पर होंगे कि वो वैचारिक महाकुंभ का मंच है, जिस पर आप अभी देख रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन यहाँ पहुंची है। ये पहला सेशन है, जिस पहले सेशन के अंदर नेपाल के डिग्नेटरीज मौजूद है, भूटान के डिग्नेटरीज मौजूद है, बांग्लादेश के डिग्नेटरीज मौजूद है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के साथ में यहां पहुंचेंगे और उनके साथ में तकरीबन 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद होंगे। जहां तक सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाती है, तो एसपीजी ने तकरीबन 2 घंटे पहले से यहां तक पूरे पंडाल के आसपास सुरक्षा की जो स्क्रूटनी होती है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है, जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति उनके साथ में आ रहे हैं, चूंकि श्रीलंका से है, साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। इस पूरे सेशन के अंदर तकरीबन 850 विद्वान है जो कि यहां अलग अलग विषयों के ऊपर विचार और मंथन कर रहे थे। ये अलग अलग विषय रहे, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, जहां तक स्वच्छता की बात की जाती है, इन विषयों के ऊपर, खासतौर पर कृषि के मामले में विकासशील देशों की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उस मामले में विचार किया गया। उन सबका सार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को एक संदेश के रूप में देंगे, एक संदेश देने की कोशिश होगी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ